गर्मी दे चलदे किसानां दी कणक दी फसल घट होई। हुण प्याज दी खेती करन वाले किसान होए परेशान। प्याज दा बीज तैयार करन वाले किसान ने कहा, गर्मी दे चलदे लखां दा होया नुकसान। नहीं बन रहा गर्मी दे चलदे खेतां विच प्याज दा बीज। पहला एक एकड़ विच डेढ़ क्वांटल तो लैके दो क्वांटल तक दा सी झाड़, परंतु हुण खेतां विच एक एकड़ विचों सिर्फ 40 किलो बीज ही निकल रहा है। प्रति एकड़ लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान, 1.5 लाख प्रति एकड़ हो रहा है खर्च। पंजाब विच किसान परेशान हैं क्योंकि उनां दे खेतां विच इस बार कणक की फसल घट हुई है। पंजाब विच किसान परेशान हैं कि अगली बार झोने की बिजाई है, पानी का लेवल हर दिन हेठा जा रहा है। सरकार परेशान है कि किवें पानी का लेवल हेठा जाने तो रोकया जा सके, ताकि किसानों को कुछ बदला करन दी अपील कर रही है। झोना की सीधी बिजाई करन लई बोलिया जा रहा है या फिर दूजी फसला उगाउण लई कहा जा रहा है, जिसनु पानी की लागत बेहद घट हो। परंतु संगरूर विच अजिहे भी किसान हैं जिन्होंने सरकार के कहने तो पहला ही दूजिया फसलां उगाउणियां शुरू कर दित्तियां। कोई सब्जी की खेती करन लग्या, कोई फुलां दी, कोई प्याज की खेती तैयार करन लग्या, फिर भी किसान परेशान। आखिर क्यों? मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पिंड विच धरती का हेठला पानी बचाने लई सीधी बिजाई करन दा हौका दिता अते नाल ही झोने की फसल दूजियां फसलां वल रुख करन लई भी कहा। भगवंत मान ने कहा कि मूंगी, मक्की, सूरजमुखी, बाजरा ते सरकार MSP भी देगी। एक दो फैसले इस तरह के सरकार ने किए ने, सरकार ने नहीं तुसी किए ने, तुसी सरकार बनाई है, फैसले तुहाडे ने जिदे चा थोड़ा सहयोग की लोड़ है। अपने पिंड भी मैं पता है पानी बहुत डूंगा चला गया। आप करते हैं आप नहीं सोचते कि आने वाली पीढ़ियां वास्ते की छड़ के जावे, आप सोचते हैं कोई गल नहीं जो मर्जी हो चले 200 मीटर होर थले चले जाने, पर घेर जीरी सारे पिंड चो बद करके देनी है। मैं सारा कुछ पता है, मैं आउंदे हुए जो धर्मगढ़ों आया दिखाउंदा सी नाले वाला खेत, मैं उत्थे पहला नरमा बीजदा हुंदा सी, हुण तां सब कुछ जीरी हो, फेरू वाला तां जमी रेता हुंदा सी उत्थे भी जीरी लग गई। सो जीरी मैं नहीं कहिंदा कि तुसी ना लाओ, जिन्ना चिर सरकार कोई प्रबंध तुहानूं इहो जिहा नहीं दिंदी कि तुहानूं जीरी तों भी वध आमदन आउण लग जाए, पर उस तो पहले आप एक तजर्बा कर सकते हैं। मैं नहीं कहता सारे ही करो, जोड़ा 10 किलो 5 ते कर लो, 6 ते कर लो, जोड़ा 20 10 ते कर लो, 12 ते कर लो। सीधी बिजाई वाला जोड़ा फार्मूला उन्होंने आप वरती है। मेरे ख्याल इतने कुछ लोग बैठे ने जिन्होंने पहला सीधी बिजाई की तुम की जगह कि चार किले क्योंकि दसना पौगा नहीं तो लोगों को ए लगता मैं क्यों लावा तू ला, जो सानू मिला जिन्हें पहला ये लाई सी। सो मैं उस काम वास्ते आया, जे अपना पिंड ही नहीं लाऊगा फिर मीडिया वाले बैठे ने भी भगवंत मान जी का पिंड वाले भी नहीं मानते, पंजाब किवें मानूगा। सो तुसी तो घट्टो घट्ट मेरा साथ दिओ ना, तजर्बा बहुत वधिया, घाटा नहीं बैठ देंगे वो वास्ते असी है। कि नाम अमनदीप सिंह ਅਸੀਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 80 ਕੁ ਮਣ ਝਾੜ ਰਹੇ
तो वो समस्या तो थोड़ी जी जी अपना कखा दी आती है, दवाइया चंगी मिल जाए तो बहुत वधिया गल है। तो पानी की जी आप कह सकते भी पानी की बचत नहीं, पानी का एक नव फॉर्मूला जो लीचिंग है वह होंगी है पानी का। हाँ कणक में भी फायदा, कणक का केयर साढ़ा बढ़ता है, 60 to 65 मना कणक का केयर जाता है क्योंकि जो कणक टाइम बारिश होंगी है तो वो जो पानी है वह पानी जल्दी सोक जाती है, कणक कणक में पानी का धक्का नहीं लगता। जोड़ा आप कहते हैं भी कणक में पानी की धक्का लग गई है कि इस बार जो बरसात आ गई कुछ भी है तो आप कहते भी पानी धक्का मार गया कणक में, वो नहीं है समस्या। कणक का भी केयर बढ़ता है, 10 किले बीजी इस बार, 2 साल हो गए मैंने बीजते इस साल, इस साल थोड़ा हूँ तो 1500 रुपया सरकार भी देगी। थैंक यू सर, इस साल बताओ। हाँ इस साल थोड़ा जहा घटावे, कोई कारण ये है जी हूँ रकबा मक्की मूंगी वाल जाए चले गए, मक्की मूंगी वाल चले गए तो ज़्यादा ज़्यादा अभी भारी बोल रही कहीं मूंगी मक्की की MSP देवे सर। इसलिए मतलब असं झोना लाने छड़ देंगे जी, नहीं कोई नहीं मूंगी मक्की बाजरा सूरजमुखी असी MSP देवे, सरकार अपने खर्चे से चकू, असी भावें उन्होंने सिंगापुर में बेचिए भावें उन्होंने यूक्रेन बेचिए जिन्होंने मर्जी बेचिए थानू MSP। तुहानू मिलांदे हां लहरा गागा दे दो किसानां दा जिन्हां ने काफ़ी समा पहला ही अपने खेतों में झोने के चक्कर तो निकल के सब्जियां की खेती करनी शुरू कर दी। ज़्यादातर खेत विच प्याज की खेती करके प्याज लगा के उसका बीज तैयार किया, परंतु हुण अजिहे मौसम की मार पई कि लखां दा नुकसान हो गया। ये समझाते हाँ किवें, ये किसान बलराज सिंह है जिन्हां दा पिंड है अड़कवास, अपने खेतों विच कई साल पहला सब्जियां की खेती शुरू की, हौली हौली अपने खेत विच इसका एरिया वधाउणा शुरू किया। असीं पिछले कुछ सालों तो प्याज की खेती लई एरिया भी वधा दिता, प्याज का बीज तैयार कर सेल करन लगे जिस विच चंगी कमाई होन लगी, परंतु इस बार भारी नुकसान भी होया। अज की नाम तुहाडा? मेरा नाम बलराज सिंह हीरा जी। पिंड किन्ने एकड़ दे विच तुसी प्याज दे बीज दी जिहड़ी खेती करदे हो? असीं 7 लगभग जी 7 एकड़ है साडे कोले, कुछ मतलब के सर्दी वाला कुछ गर्मी वाला भी सी, जिहड़ा सेमी विच मनेरी बीजदी है, दोने वैरायटियां कर रहे हैं। तो इहदे की बहुत ज़्यादा भारी बड़ा नुकसान है जी, साडा 20% सीड तैयार हो रहा है, खर्चे पिछले साल नू सारे सालों नू ज़्यादा बढ़ गया, लेबर ते रे स्प्रे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। किन्ना का नुकसान आ तुहानू इस परी हो रहा प्रति एकड़ दे हिसाब दे नाल? सानू 2.5 to 3 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया नुकसान है इतकी, क्यों खर्चे बढ़ गए, बीज की प्रोडक्शन 20% रह गई। किन्ना खर्चा आता प्रति एकड़ दे हिसाब दे नाल पूरा बीज? इहदे लगभग जी 1.5 लाख रुपया, 5-7 हज़ार उत्ती हो सकदा थले हो सकदा उस समय दे हिसाब नाल जी, खर्चा तो बहुत ज़्यादा होंदा जी। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਥੱਲੇ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਏਸੀ ਦੇਸੀ ਕਰਤੀ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਮੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਤਾਊ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੀਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੇਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਘੀਆ ਕੱਦੂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है जी इस बार समय के बदलाव नाल गर्मी पैण के कारण प्याज के अंदर तकरीबन 70-80% ऐतकी नुकसान है जी तो 20-25% साडा सीड तैयार होया जी तो मतलब 75-80% काफ़ी नुकसान है जी ये अंदर ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਦਾਬਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ 2 ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ